गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए उपेना मूवी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। और उपेना मूवी के रोमांटिक सीन्स देखे थे, उसके बाद हमने पूरी मूवी अराउंड तक देख लिया। अभी लास्ट क्लाइमैक्स सीन बाकी है, लोगों ने बताया था कि वो बहुत जबरदस्त है, तो वो देखते हैं कैसा, क्योंकि 20-22 मिनट का है तो बहुत एक्साइटिंग होगा पूरा वो जर्नी देखना। और अभी तक की जर्नी तो बहुत कमाल की रही है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स और विजय सेतुपति इतने खतरनाक रहे हैं। लाइक उनको मास्टर में विलन देखना और यहाँ पे देखना, तो आपको उनका एक विलन का अलग ही फील आता है, बिकॉज वो बहुत कड़क विलन है। एंड साथ में जिस तरीके से पूरी मूवी पैन आउट हुई है, बहुत सही लग रही थी क्लाइमैक्स ऐसा होता है। यस, हमने अब तक की जितनी मूवी देखी है पूरी देखने में बहुत मजा आई है, काफी स्वीट रोमांटिक प्लस ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवी रही है अब तक। एंड जो मतलब दोनों है ना काफी क्यूट है, मतलब उन्हें पता है कि उनके रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल्स है, बट स्टिल दे आर वेरी इनोसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का कोई भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है ऑफ कोर्स। एंड इनकी जर्नी देखने में अब तक तो काफी मजा आया है, क्योंकि काफी कुछ न्यू आया ही आता ही रहा है। तो अब देख लेते हैं कि क्लाइमेक्स सीन में फाइनली क्या होने वाला है, पता नहीं कि ये एक दूसरे को मिल पाएंगे या नहीं, बट देखते हैं कि क्या होता है। वही लास्ट में तो कुछ मैरिज जैसा हो रहा था, लेकिन हमें हमेशा हमें पता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ फाइट या कुछ तो होता ही है, तो देखते हैं कैसा होता है। आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो, कमऑन, हेलो ना, अर्जुन का निकोमिशन चेपारी वो इतने खुश क्यों नहीं है? वाह, तुम कितने क्यूट लगते हैं। लगी रहा था जिस सर्वो से उन्हें अकेले छोड़ के गए ना, एंड हर फिल्म में कभी भी ऐसे अकेले छोड़ के जाने गए। भाई ये क्या हुआ? उसी ट्रेन में ही थी, बैग है नहीं है क्या ये? इनके घर ही लेके आए हैं ना। तीनो, ओ तेरी तीनो, बेगमा तीनमा तीनो, वो गुस्सा देख कैसे कंट्रोल रखा हुआ है। ये लुटे नहीं पड़े, अरे वो चीज़ों में तेरे की हमने कहा ना कहा, कर जो ये लपी को कोई मारेंगे तो नहीं ना? इसी तरह तो मैंने नहीं मिली पहले तो। पहले जैसे आगो तो मैं कुंड ना बा। हाँ। पहले इधर दरवाज़ा तो खुला मिली पता। खुली धमकी। ना काशी का वाला ना। ये लाइट बोनिस्ता। ना कुतर। बोलो नलगरे के पास कितने परुपोत दाने। नी वो कदा नी कोसम पति ही नो किलोमीटर। बोलो के पास ना पिंच मारे। इज्जत का कितना क्या खुद बता दिया, मारेंगे तो नहीं है? खुद बता दिया,
ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं पर लग नहीं रहा कि सच बोल रहे होंगे बट वो मानेगी तो ना हाँ उनके इश्यूज आते थे पूरे टाइम क्या किया है फादर को मारा था हाँ। पर वो तो लड़की को भी पता है ना हाँ। तो वो इंटरवल सीन था उसके बाद भी कुछ था तो यहाँ जब मेरे ख्याल से अभी क्लियर नहीं हो रहा है सच में बहुत कंफ्यूजन है इतनी बड़ी बात उन्होंने भी बोल दी दोनों ने बोली एक दूसरे को हाँ चाहते तो वो यहीं पे वो लड़के खत्म कर सकते थे या मारा क्यों नहीं वही चीज थी मेरे को समझ आया कि उनके हाथ में से तो मारा क्यों नहीं था तो उनका और उसके बाप के सामने किया ना वो जल्लाद टाइप आते हैं just can't believe this seriously प्रेम को पता ही चीज़ तेरो नहीं समाधुलो नहीं कर पड़ा लेकिन पहली चीज़ को नहीं मिला लेकिन ये लोग कर देता नहीं फिर मत
बिलीव नहीं हो रहा है नहीं? ये ज्यादा, ये सच में बहुत गलत है, ये ज्यादा हो रहा है। फिर उसकी वजह से सब हो रहा है। ओके उनको सिखा रहे थे मेरे बिना कैसे रहे। But always guarding you. तो वो बेबी की बात से उनको और हो गया होगा। पर मुझे लगता है इसके बाद लड़की छोड़ेगी, उल्टा उसको देखेगा ना कितना लड़के को पैशन है मेरे लिए। इतना ज्यादा नहीं करना चाहता इनके फादर को, ये सीरियसली। और वो भी कहाँ गए हैं? क्या कर रहे हैं? वो खाना खा रहे हैं। काइंड ऑफ इससे पता चलता है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रही है। उसको कहीं तो निकालेंगे। आया कहाँ? पूरी मूवी में उनके घर में आवाज नहीं निकलती थी। क्या? अंदर से हिम्मत टूटी पड़ी है। हाँ। अब ये क्या करी? ఈరోజు నన్ను తెలుస్తాను
స్టార్టింగ్ Literally. बहुत प्यारे तरीके से लिखी गई है हर एक लाइन. उनका वो साइलेंस, उनके अपने अंदर हो रहा है कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे. पूरी मूवी में पहली बार बाप बेटी इतना पास आया. साइलेंस कमाल है. एक डायलॉग अब वो उन्हें मिल जाए बस. एटलीस्ट वही
वही सेम जगह जहां पे वो हुआ था। सेम मैसेज आने वाला था, बट एंड में जब लड़का और लड़की ने बैठ के बात की ना, वो एक क्यूट और स्वीट मैसेज के साथ ही मूवी खत्म किया इन्होंने कि लव जो है वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता। एंड बहुत ही स्वीट मैसेज आई है, बट लिटरली बीच में इतने पॉइंट्स आए ना जब मेरी आंखों में भी पानी आ गया था। तब जब इन्होंने इस लड़के के साथ इतना गलत किया ना, मतलब लिटरली सोचा नहीं था, हमें तो यही लगा था कि इनके फादर को इनके आंखों के सामने मार दिया, बट रियलिटी तो बाद में पता चली। एंड मतलब जितना शौक हम हुए उतना ही शायद वो लड़की शौक हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि पहले उन्होंने खाना खाया, फिर अपने फादर से बात की, मतलब जो पूरी मूवी में वो चिल्ला के पूरे घर में बोलती भी नहीं थी, और अब उन्होंने इस तरह से बात की, तो तब भी आंखों में पानी आ गया था जब वो लड़की अपने फादर को हग करके रोई ना। उनकी मदर को भी अंदर सुनाया था, वो भी रोई। एंड लिटरली बहुत वो सीन बहुत इमोशनल था। एंड ये उन्होंने जितनी भी पूरी बात की ना लड़की ने, हैट्स ऑफ है इस मूवी के डायलॉग राइटर को भी, है ना। और मतलब वो फादर भी वो पूरी बात सुन के चुप हो गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एंड जितने भी लोग और भी जो खड़े थे सब चुप हो गए, सबकी आंखों में पानी था। एंड फाइनली लड़की के अंदर गट्स आए ये बोलने के कि वो आसी के साथ ही रहेगी, और फिर भाग के गई। इवन जब वो भाग के जा रही थी ना, तब पूरे गांव वाले भी देख रहे थे। और जब वो आसी के पास पहुंची और दोनों ने जो मतलब बहुत कम बात की, उन दोनों ने मिलके तो बहुत कम बात की, बट फिर भी जो साइड में उन्होंने मैसेज दिया ना वो काफी क्यूट था। एंड मतलब वो लास्ट में उन दोनों के चेहरे पे स्माइल ही ये मूवी का हैप्पी एंडिंग थी भाई। और मेरे ख्याल से डायरेक्टर और विजय सेतुपति दोनों की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। लाइक डायरेक्टर की इसलिए बिकॉज उन्होंने लास्ट में विजय सेतुपति के लिए कोई लाइन नहीं रखी, या राइटर के लिए आप कह सकते हो कि कोई एक लाइन नहीं रखी, एक वर्ड कुछ बोलते हैं, हाँ जा ये कर वो कर, नहीं, साइलेंटली वो इतनी देर 5-7-10 मिनट तक वो सुनते रहे अपनी बेटी को, और उसके बाद एकदम से ही शांति से लास्ट में उनके फादर तक बोल पड़े कि भाई ये तो कुछ बोला नहीं, ये कुछ किया नहीं, लेकिन वो आराम से अपने रूम में चले गए और कुछ नहीं बोले। तो वो जो साइलेंस था ना वो किल कर रहा था देखने वाले को भी, और समझने लगे क्या हो रहा है, कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे, आंखों में वो इमोशंस दिख रहे थे पूरे पता लग रहे। लाइक स्टार्टिंग में वो गुस्सा होना कि पहले उन्होंने जो पकड़ा उसको तो वैसा, और वही बाद में वैसा हो जाना जैसे वो उनके उनका जो सर था वो उनके दिल पे आया, तो वैसे ही हो जाना कि लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी बेटी इस तरीके से मांग रही, बट वो कुछ बोल नहीं था। और उन्होंने हाथ उठाने का जब वो आशीर्वाद अला गया तो वो हाथ भी नहीं उठ रहा था, लेकिन बस कहीं ना कहीं ऑफकोर्स अगर वो नहीं चाहता कि नहीं उठाए तो वो नहीं उठा पाती, लेकिन वो उनका था भी 50-50 था तो वो वैसा हुआ। तो बहुत जो इमोशंस थे ना इस पूरे जो 15-20 मिनट का जो सीन था वो बहुत कमाल के थे, एंड पूरी तरीके से फ्लाई करते, आपको बहुत मजा आते थे देखने में, और किस तरीके से लाइक वो स्टार्ट हुआ और कैसे वो एंड हुआ, और लाइक हैप्पी एंडिंग वो बहुत अच्छा था। तो बहुत सही सीन लगा, आप लोग कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।